एक बार सभी लिंक को शेयर कर दीजिए बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं। जल्दी जल्दी सभी लाइव आ जाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। डेली बेसिस पे आप नॉलेज 360 पे जब आप क्लास लेते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडिया एंड नाइबरिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड डेट्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, मतलब ओवरऑल जीएस का सारा सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं। अगर जीएस में आपको स्कोर करना है तो करंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और स्टैटिक पे, ठीक है। स्टैटिक भी करंट से लिंक करके पढ़े तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। इस प्लेटफॉर्म पे आप एसएससी, बैंक, डिफेंस और रेलवे, इन सभी चीज़ों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देख जी, गुड इवनिंग। तो माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 years एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो व्हाट यू विल गेट हियर, डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, प्लस डाउट सेशन। एक बार सभी लाइक कर दीजिएगा सेशन को, देन जो भी सिलेबस है वो तो पढ़ते हैं, मगर सेशन जब भी आप लेते हैं तो उस बेस्ड एमसीक्यू आपको, डाउट सेशन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जितना हो सके आप टेस्ट और क्विजेज दीजिए, उतना बेहतर रहेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो ले लीजिए, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। जब आप टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना सही जा रहा है, कौन सा टॉपिक है जिस पे फोकस करें, जहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इमी जी, गुड इवनिंग। अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, किसी भी क्लास को, किसी भी सेशन को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कैसे रजिस्टर करना, बड़ा आसान सा तरीका है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही जाके आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के डिफरेंट डिफरेंट मंथ के ऑप्शन दिख जाते हैं। जो बेस्ट मंथ का ऑप्शन है, मैं हमेशा कहता हूँ 12 से 24 मंथ का, क्योंकि इतना ही एग्जैक्टली टाइम जब आप स्पेंड करते हैं सीरियस और कंसिस्टेंट वे में, 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं, तब जा करके आप कहीं एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। फ़ायदा इसमें बहुत सारा है, टॉप एजुकेटर जितने भी हैं उन सभी के क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड टाइम। आप अपने चॉइस के फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, हर टीचर आपको पीडीएफ कंटेंट दे देगा, ठीक है। आपको उसमें क्विजेज भी हो जाएंगे, टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू हो जाएगा, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। प्लस अगर कंपैरिजन करें 24 मंथ के प्लान को और 1 मंथ में, तो आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। एक तो ये कोर्स भी वैसे ही सस्ता है, उसमें भी अगर ये रेफरेंस कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 6,000 का कोर्स आपको 5,400 में ही मिल जाएगा और 7,200 का कोर्स 6,400 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाइए, ऑपरेटिंग सरप्लस एराइज इन द, पहला का आंसर दीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस एराइजेज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटरप्राइज सेक्टर। इम्मी का पहला का बी आ रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, इंटरप्राइज सेक्टर। ठीक है, द ऑपरेटिंग सरप्लस ऑफ एन इंटरप्राइज मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज द सरप्लस ऑफ डिफिसिट अकरिंग फ्रॉम प्रोडक्शंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए, द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हजारीबाग, सिंहभूम और बिहार, जब झारखंड गए तो ज्यादा, खेतरी एंड दारिबो एरिया ऑफ राजस्थान, खेतरी एंड दारिबो एरिया ऑफ राजस्थान, अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश, शिवालिक इन उत्तर प्रदेश एंड इन कर्नाटका,
निम्मी जी का सेकंड का आंसर आ रहा है बी, आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोडक्शन रेफर्स टू। एक बार बच्चों सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रोडक्शन रेफर्स टू, थर्ड का आंसर बताइए बच्चों। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू, यूज ऑफ प्रोडक्ट। ये तो आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा बताओ? बी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट्स एंड इमटेरियल इनपुट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक समथिंग कंजम्पशन। सेलिंग कॉस्ट मीन्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए। सेलिंग कॉस्ट मीन्स। कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का? इमी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज आल्सो रिच इन आयरन इज। नॉर्थ ईस्टर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, साउदर्न जोन और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बताइए। द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज आल्सो रिच इन आयरन इज। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक बार जो भी बच्चे हैं सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो। निम्मी फाइव का आंसर दे रही है सी, बिल्कुल सही, सावधान जो। शेख जी का भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स बने, द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन इज अ टर्म कॉइंड बाय। द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन इज अ टर्म कॉइंड बाय। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? The tragedy of the common is a term coined by। छठा का आंसर बताइए। Tragedy of the common is a term coined by। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइए। शर्मा जी का आंसर बिल्कुल सही है ए। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, पेनिनसुलर इंडिया हैज द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप्स। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर क्या होगा?
पेनिनसुलर इंडिया हैज द फॉलोइंग जोनल सॉइल टाइप, ए रेड एंड येलो सॉइल, बी फॉरेस्ट सॉइल, सी सेलिन सॉइल एंड डी एलुवियल सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सेलाइन सॉइल और एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताइए। सिमी का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर एट, जी का आंसर है वेस्टर्न घाट। ओके, बिल्कुल सही है। नाइन्थ, अ सीरीज ऑफ लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग क्विक एट द सेम टाइम आर कॉल्ड। नाइन्थ का आंसर बताइए। ओके, नाइन्थ का शर्मा जी का ये है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर टेंथ, Who among the following gave the definition of economics as the science in which deals with wealth? Question number 10th का आंसर बताइए। का नाइन्थ का ये बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर बताइए। आंसर होगा डी। विच बैंक स्पॉन्सर्ड फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया बाय द नेम प्रथमा ग्रामीण बैंक? इज इट अलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक और नाबार्ड? क्वेश्चन नंबर 11th, नुसरत जी का आंसर आ रहा है और निम्मी 11th का डी। आंसर होगा डी, सिंडिकेट बैंक। रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, बेसिकली सरकार ने रूल बनाया था उस समय, इसमें जब भी ग्रामीण क्षेत्र बैंक बनेगा उसमें 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगी, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक। ये याद रख लेना, इसे क्वेश्चन आता ही रहता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार अभी तक आ चुका है। 15% इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट जिस राज्य में खुलेगा। पहला ग्रामीण बैंक हुआ जो ये लिखा हुआ है, प्रथमा ग्रामीण बैंक, और उसको स्पॉन्सर्ड किया सिंडिकेट बैंक ने। खुला था कहां पे? मुरादाबाद में। ये कभी कभी इसी चीज को ट्विस्ट कर देता कि आरआरबी किस कमिटी के कहने पे, तो ये भी याद रख लेना कि नरसिम्हम कमिटी के कहने। विच कमिटी रिकमेंडेड टू फॉर्म आरआरबी, तो लिखिएगा नरसिम्हम कमिटी, ठीक है, कमिटी का नाम। और अगर बोले कि आरआरबी को कंट्रोल कौन करता है, उसको मॉनिटर कौन करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो है नाबार्ड, रेगुलेटरी बॉडी है। और नाबार्ड को खुद किस कमेटी ने बनाया था, तो वो भी याद रख लीजिएगा, शिव रमन कमेटी, शिव रमन कमेटी। ये सब याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और दो ही ऐसे राज्य बने जहां पे कभी भी ग्रामीण क्षेत्र बैंक नहीं खुला। तो अगर पूछे एग्जाम में नो आरआरबी कहां पे है, तो एक लिखिएगा सिक्किम में और दूसरा गोवा में, ठीक है। ठीक है पाल जी, हेलो। तो ये सब जो भी मैंने फैक्ट बनाए एक बार फिर से समझ लिए, ग्रामीण क्षेत्र बैंक, रीजनल रूरल बैंक जब भी बनता है उसमें 50% भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक, और 15% स्टेट गवर्नमेंट देता है।
दो जगह पे नहीं खुला आरआरबी, एक तो सिक्किम और दूसरा गोवा में। पहला आरआरबी कहाँ पे खुला? मुरादाबाद यूपी में। नाम क्या पड़ा? याद रखेंगे प्रथमा ग्रामीण बैंक। ऐसे भी याद रखेंगे, पहला है तो प्रथम ही होना चाहिए, और कौन सा बैंक इसमें स्पॉन्सर किया था तो ये याद रख लेंगे, सिंडिकेट बैंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। रेशम लॉ रिलेट टू, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, 12वां का। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 13, सिचुएशन टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। जयवीर जी का सेकंड आ रहा है, हाँ जी का ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। और आंसर जब भी करिए कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पेरेटो इफिशियंसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, पेरेटो इफिशियंसी और पेरेटो ऑप्टिमेलिटी इज अ स्टेट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम विच इट इज इम्पॉसिबल टू री एलोकेट सो एज टू मेक एनी वन इंडिविजुअल और प्रेफरेंस क्राइटेरियन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन इंडिविजुअल और प्रेफरेंस क्राइटेरियन वर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्स्ट्रा टैक्स दैट मे बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग टैक्स कैलकुलेशन इज सर्विस टैक्स सर चार्ज सेल टैक्स और ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित का आंसर आ रहा है, 13th ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, 14th का आंसर होगा बी, सरचार्ज। स्वरूप कमिटी इज एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केटिंग, शुगर मार्केटिंग, बैंकिंग और कैपिटल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, साक्षी का 14th का आंसर है डी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए आप, तो हो गया। 15वां का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट लाइटर? क्वेश्चन नंबर 16, का आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्यूटेन, बिल्कुल सही है। 17 बने, द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ से बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ से बताइए? ओके बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, कौन जी का 17 का सी है। ओके 18वां का बताइए, 18 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए, जी का लॉन्गिट्यूड है। बिल्कुल सही, एस्पिरिन इज क्वेश्चन नंबर 20। शर्मा जी का ए है। ओके हिम्मी जी का भी ए है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इमल्सिफिकेशन मीन्स? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, इक्कीस का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, बी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स? क्वेश्चन नंबर 22, ओके 22 का आंसर है बिल्कुल सही। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मीडिया ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर विद ऑफ पेटल्स? क्वेश्चन नंबर 23, का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? हिम्मी जी का ऑल आर ओके, ठीक है। आंसर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए, 24 बनाइए। विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग डोरमेंसी इन सीड? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए,
24 का आंसर बता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एस्टैब्लिशिंग डॉर्मेंसी इन सीड। 24 आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, द रिवर किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 25, द रिवर किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। सही झेलम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है सिलिका। 27वां, रेडिएशन इन्वर्जन अकर्स ओनली ऑन। रेडिएशन इन्वर्जन अकर्स ओनली ऑन, सत्ताईसवां। क्वेश्चन नंबर 27, बिल्कुल सही है लैंड सरफेस। फ्रंटल फॉक्स आर प्रोड्यूस इन द। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर हो जाएगा बी, हाई लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 29, एबिलिटी ऑफ द आई टू सी ऑब्जेक्ट एट ऑल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, एबिलिटी ऑफ द आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट ऑल डिस्टेंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 29th का आंसर क्या हो जाएगा, टी। नहीं 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 क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है। Ability of the eye to see objects at all distance is called. बताइए आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 29 का। Ability of the eye to see objects at all distance is called. आंसर हो जाएगा डी, एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए, वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया नहीं कह रहा था कि दूर या नजदीक का, क्वेश्चन गौर से देखते तो आंसर मिल जाता। मार्बल्स आर फॉर्म ड्यू टू चेंज इन। क्वेश्चन नंबर 30, मार्बल्स आर फॉर्म ड्यू टू चेंज इन, कौन जी का आंसर बिल्कुल सही है, लाइमस्टोन। विच रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। विच रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, क्वेश्चन नंबर 31।
31 का आंसर क्या होगा? 51 सी। ओके बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिया मीट्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इंपोर्ट्स। 33 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33। तैतीसवां का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 34th, the sculpture with three faces of Brahma, Vishnu, Mahesh known as Trimurti appears in. Question number 34. Question number 34th का आंसर क्या होगा? डी हो गया, एलिफेंट का। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बिकम। क्वेश्चन नंबर 35, हाफ, ट्वाइस, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बिकम। क्वेश्चन नंबर 35, 35 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्टी फाइव का आंसर हो गया बी, ट्वाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप्स? क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। छत्तीसवां का आंसर बताइएगा। आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रीन कलर प्लांट इज ड्यू टू। Green color of plant is due to the presence of, बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल। Among the following cities, which one is nearest to Tropic of Cancer? अड़तीस का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, एमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये क्वेश्चन सब रिपीटेड है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
जैसे अभी आरआरबी वाला मैंने आपको बताया था, तो ये भी क्वेश्चन सब रिपीटेड है। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और कोलकाता। आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39, इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। आंसर हो गया बी, परमवीर चक्र। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, महाराष्ट्र, गुजरात, असम और तमिलनाडु। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 40, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सती सिस्टम वॉज एबोलिस्ट बाय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। साक्षी का ए है, बिल्कुल सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉज ऑफ जेनेटिक्स वेयर डिस्कवर्ड बाय, 42, कौन जी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, द स्मॉलेस्ट प्लांट्स ऑन द अर्थ आर, क्वेश्चन नंबर 43, साक्षी का सी है, सोनाली का बी है। आंसर हो गया बी, एल्गी। नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स द मेजर प्रपोर्शन ऑफ एयर, क्वेश्चन नंबर 44, का आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। कौन जी का सही। क्वेश्चन नंबर 45, कलिंगा प्राइज इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 का आंसर बताइए, बिल्कुल सही, यूनेस्को। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 46, का आंसर बताइए।
sugar and water mixture. The motion of the pendulum of wall clock is an example of. Question number 47. The motion of the pendulum of a wall clock is an example of. Question number 47 का आंसर बताइए. पैतालीस का आंसर क्या हो जाएगा? बी. पैतालीस द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड. 48. पैतालीस का आंसर बताइए. द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी इन अ मोस्ट सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड. 48 का आंसर बताइए. ग्रेविटल फोर्स. 49 व्हेन आइस मेल्ट इट्स वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज रिमेन सेम अंटिल ऑल द आइस हैज मेल्टेड एंड देन इंक्रीज रिमेन्स द सेम. क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा डिक्रीज. ठीक है. फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज 50. तो क्वेश्चन नंबर 50 का का ए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाइए. पार्ट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ए जी का आंसर आ रहा है बी फंगल. बिल्कुल सही है. स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज. सेकेंड का आंसर बताइए. स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज. पवन जी का आंसर बिल्कुल सही है. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट. तीसरा का आंसर बताइए. थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए. बिल्कुल सही है. एग्रो बैक्टीरियम द प्लांट ग्रो इन द सॉल्टी वाटर. फोर्थ का आंसर बताइए. फोर्थ का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर फोर का बिल्कुल बी. दिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन आई. क्वेश्चन नंबर फाइव का
बिल्कुल ठीक चौमा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कैरोट हैज विच ऑफ द विटामिन इन एक्सेस, कौन जी का उपाय पास है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइए। बी डी ए सी आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। सेवेंथ, डिजीज कॉज बाय स्वेलिंग ऑफ ए स्पाइनल मेम्ब्रेन और ब्रेन मेम्ब्रेन, कौन सा नंबर सेवेंथ। ठीक सेवेंथ का सी मैंने। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर एट, आठवां का आंसर बताइए। ठीक आठवां का आंसर बताइए। ठीक होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ठीक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज, क्वेश्चन डी ट्रांसक्रिप्शन। बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इन, क्वेश्चन नंबर टेंथ, ठीक हो जाएगा ए लोजिया। इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंसी, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्लूरल एग्जीक्यूटिव, नंबर एलेवेंथ। ठीक एलेवेंथ का आंसर बताइए। ठीक बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक आंसर सही है। द फर्स्ट गवर्नर एवर टू बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट वाज, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, ठीक द फर्स्ट गवर्नर एवर टू बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट वॉज, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर बताइए। बारहवां का आंसर क्या होगा, बिल्कुल प्रभुदास पटवारी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन टू द प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ द लोकसभा, क्वेश्चन नंबर थर्टींथ। नंबर थर्टींथ का आंसर क्या होगा, कौन जी का आंसर बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट। डॉक्टर अंबेडकर हैड सेड आर्टिकल डैश शुड नॉर्मली रिमेन डेड लेटर वुड बी यूज ऑन इन द लास्ट रिजॉर्ट, आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 357, क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन का बताइए, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356।
role of the Finance Commission in center-state fiscal relation has been undermined by क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग कमीशन बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन क्वेश्चन नंबर 16 1935 before 1956 the present Kerala state was known as question number 17 Satra answer is 54 question 18 the total number of member question number 18 18th ka answer bataiye one third 19 National Integration Council is chaired by President, Vice President, Chief Justice of India, Prime Minister of India. Question number 19 19वां का आंसर पवन जी का या क्वेश्चन नंबर 20 An Advocate General of a state is entitled to appear before Court of law within the country and court of law within the state, the Supreme Court of India or district and session court. Number 20 का आंसर बताइए. जी बिल्कुल सही है. कौन जी का? 21 The authority to dissolve a state legislative assembly is vested in the Question number 21 इसका डी बिल्कुल सही है 22वां पैरामैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ 22nd का आंसर क्या हो जाएगा? The influence of temperature on reaction rate is predicted by तो इसका आंसर होता है क्वेश्चन 23 बिल्कुल सही है 24वां आंसर बताइए पेप्टाइजेशन द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 डी 25वां द मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन बी 12 इज क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा बी कोबाल्ट
26 द कंपाउंड फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद पी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 बी मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। 27 फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस फ्री एनर्जी चेंजेस। बी नेगेटिव। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 28 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी। नियोप्रेन इज अ पॉलीमर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्लोरोपीन। 31 बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई आयरन कंटेंट। सही क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीन वेजिटेबल। 32 हु हैज नॉट बीन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान, अयूब खान, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ। नंबर 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। आयुब खान। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। मार्च 8 लेट इफ कार एमर वॉज फॉर फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड एक्टिंग सिंगिंग म्यूजिक और लिटरेचर। एक्टिंग। साइट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर रिच इन विटामिन ए डी ई सी। साक्षी का 33 का डी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 को बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 35 साक्षी का डी बिल्कुल सही है। एट परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज हैविंग द लार्जेस्ट परसेंटेज शेड्यूल कास्ट। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा। सी पंजाब। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज एट। ये बिल्कुल सही है। 37 का आंसर होता है। 37 37 का आंसर बताइए। मेरा पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर। बी फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ ऑफ स्टाफ वॉज। आंसर हो जाएगा एक कातारी। द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज बाट। 41 टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी इज मोटो।
इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरलाइंस, इसरो, एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स। 42 वेरिएशन इन सीआरआर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। गुड्स विच आर मिंट आइदर फॉर कंजम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड एज। Rent index is associated with which of the following? Number 44. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर ही पढ़ते होंगे आप लोगों को। Crude oil prices. Which one of the following is not the matter of computing GNP? क्वेश्चन 45 का आंसर बताइए। B. Some approach instrument that measure wind speed is anemometer. First lady become a judge of Supreme Court was 45 तो सब बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 47 कहां से बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन, तो फर्स्ट लेडी टू बिकम जज ऑफ 47 फातिमा बीबी। ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार इज सी। कोजागिरी इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताओ। मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। हो जाएगा त्रिपुरा। 50 क्या गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम, और रग्बी, हॉकी और पोलो। हो जाएगा हॉकी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड का यूज कीजिए तो आपको 10% मिलेगा। ठीक है, 4 PM पर स्पेशल सेशन डेली देखिए, और कल जो टॉपिक होगा वो होगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मॉर्निंग कितने बजे? 9 बजे। कौन से चैनल पे? लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइमिंग क्या रहता है? 9:30। तो ये डेली बेसिस पे क्या कीजिए। थैंक यू साक्षी, आज के लिए इतना ही था। मॉर्निंग वाला सेशन जरूर देखा करिए, तो आपका उसमें पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है।